ऊपर इटली का झंडा है, नीचे स्विस का, इन्होंने स्विट्जरलैंड का झंडा लगाया हुआ है। पहले मैं जाते हुए देख रहा था तो मैंने कहा मैं स्विस में तो नहीं इंटर कर गया, इधर पास ही है साफ सुथरे स्विट्जरलैंड हैं में यार। यार। घर देखें, वाह चाओ, अस्सलाम वालेकुम जी। दोस्तों मैं इस वक्त इटली के एक बहुत ही खूबसूरत एरिया में खड़ा हूँ, जिधर एक से एक गांव जो है वो खूबसूरत है। ये मेरे पीछे नज़ारे ज़रा देखें। अभी थोड़ी शाम का टाइम हो गया, धुंध, मतलब धुंध धुंध नहीं होती जो, वो पड़ी हुई है यार। इतना ज़बरदस्त नज़ारा है ना, ओ माई गॉड यार, देखें ज़रा क्या खूबसूरत जगह है। और अभी मैं एक छोटा सा गाँव है, इसका नाम है जी ब्रोज, वो जो ब्रोज नहीं होता आज, क्या आज ब्रोज जुमेरात, वो वाली ब्रोज है मेरे ख्याल में। और आगे एक गाँव शुरू होता है, उसका नाम आलू है, ALLO, आलू। अजीब से नाम है यार, जबरदस्त ना, ये ब्रोज है वो आलू है यार। इतना खूबसूरत, इतनी खूबसूरत जगह है ना, स्विट्जरलैंड भी देखा है, मुझे लगता है इटली का ये एरिया स्विट्जरलैंड से भी आगे है। बहुत ही खूबसूरत है, पहाड़ों पे बर्फ जो है पड़ी हुई है अभी तक, क्या जबरदस्त नजारा है। बादल बने हुए हैं, शाम का टाइम है, और इतना खूबसूरत गांव, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक से एक। मैं आगे छोड़ के आया हूँ, पीछे जो गांव वो इससे भी मतलब खूबसूरत है। मुझे पार्किंग नहीं थी मिल रही, तो मैं गाड़ी किधर खड़ी करूँ। अभी एक खाली मुझे प्लाट, थोड़ी सी जगह मिली है, मैं फटाफट गाड़ी खड़ी करके, तो मैं ये लोकेशन देख के तो मैं इधर, मैंने कहा शुरू करता हूँ इधर से। मैं गांव दिखाता हूँ आपको, जिसका नाम है जी ब्रोज, बड़ा खूबसूरत है। ये थोड़ा सा ऊपर है चोटी के, और साथ साथ जो छोटे मतलब गांव निचली सतह पे हैं वो नजर आ रहे हैं। तो क्या यार लाइफ कैसी गुजारते हैं ये लोग, बड़ा मजेदार है इधर तो सीन। मेरा दिल करता है बंदा इधर ही आ जाए यार, बड़ा यार नजारा है। जून शुरू होने वाला, जुलाई की आज 20 तारीख है, और जैकेट, इसमें भी मुझे सर्दी लग रही है, मैं मोटी जैकेट लेके आया हूँ। तो अभी दिखाता हूँ आपको, इस वक्त इस गांव का जो छोटा सा सेंटर है उधर खड़ा हूँ, तो मुझे एक चीज़ देख के बड़ा ज़बरदस्त लगा है कि यार देखें, बसें इधर भी आती हैं। देखें बस का स्टॉप बना हुआ है, छत तो ये सारी देखें, बैठने के लिए जगह बनाई हुई है उन्होंने, छत डाला हुआ है ऊपर। और नज़ारा ज़रा देखें कि पहाड़ है, पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, पर गवर्नमेंट की जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी इनको दी हुई हैं, इन रिहायशियों को। सड़कें देखें, रोड देखें, गली मोहल्ले भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कोई मुजस्मा इन्होंने पत्थर काट के बनाया हुआ है, पता नहीं अब है कौन ये। इसका कुछ बायोडाटा लिखा हुआ है इसने, 23 अक्टूबर 2005 को मेरे ख्याल में इसकी कोई डेथ हुई होगी। तो ज़रा देखें जी, और सामने चर्च आपको नज़र आ रहा है। अच्छा दोस्तों, ये आपको जो पिंक से नज़र आ रहे हैं, जगह जगह ये फूल सल लगाए हुए हैं, ये सजाई हुई है, और साइकिल रखी हुई है। ये साइकिल की इधर एक रेस लगती है, तो वो मेरे ख्याल में आज है या कल है इनकी ना, तो वो इधर लगी है। इसलिए मैं जितने भी पीछे गाँव देख के आया हूँ ना, वो सबको इस तरह इन्होंने सजाया हुआ है। नॉर्मल इस तरह ये नहीं सजाया होता, ये देख रहे हैं स्टैचू बनाया हुआ, तो बड़ा खूबसूरत ये पिंक सा रंग इन्होंने रोडों के ऊपर लगाया हुआ है। चर्च देखें जी, मैंने जनाब वो गाड़ी खड़ी की है, जगह ही कोई नहीं थी मिल रही, मैं काफी आगे चला गया था, पर ये मुझे सबसे अच्छी जगह ये लगी थी जाते हुए ना, तो हो सकता है इससे भी अच्छी हो, पर मुझे देखने में यही लगी है। ये देखें, क्या नजारा है जी, ऊंचे नीचे रास्ते हैं, तो अभी वापस आते हुए पता चलेगा मुझे। अभी तो मैं आराम से उतर रहा हूं ना नीचे, टेंशन नहीं है इतनी। वीडियो के लिए दोस्तों ये तो फिर करना ही पड़ता है यार। वाह, ये एक पुराना घर है, ये अब
गिर गया है, देखें इसकी हालत कैसी है। हो सकता है ये 300-400 साल ही पुराना हो। देखें कैसा सजाया हुआ इन्होंने घरों को, साफ सुथरे हैं यार घर, देखें वाह। लकड़ियाँ जो है मेरे ख्याल में लकड़ियाँ जला के ये गर्म करती हैं घरों को। ये ऊपर इटली का झंडा है, नीचे स्विस का, इन्होंने स्विट्जरलैंड का झंडा लगाया हुआ है। पहले मैं जाते हुए देख रहा था तो मैंने कहा मैं स्विस में तो नहीं इंटर कर गया, इधर पास ही है स्विट्जरलैंड भी ना, रह गया होगा तकरीबन 100-125 किलोमीटर। घरों की छतें देखें, ये थोड़ी स्विट्जरलैंड की तरह की छतें हैं। गार्डन देखें, बड़ा खूबसूरत एरिया यार ये। ये सारे के सारे गांव इतने खूबसूरत थे कि मैं क्या बताऊं आपको। ले जी ये गाँव भी खत्म हो गया ब्रोज, छोटा सा गाँव है, साथ साथ मिले हुए हैं सारे गाँव ना, ये तो खत्म हो गया। आगे एक गाँव आ गया जी स्प्रिट, ये स्प्रिट अब बड़े जबरदस्त नाम है जी इन एरिए के। देखें घर जी, माशाल्लाह यार इटली भी बड़ा खूबसूरत है जी। इटली है तो सारे का सारे ही खूबसूरत है, मैं समझता था कि इसके बीच या जजीरे या इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खूबसूरत है, समुंदर। अब ये देखें ना क्या नज़ारा है, दरख्त देखें, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। वीडियो में कितना अच्छा लगेगा ये मुझे आइडिया नहीं है, पर यार नज़ारा बहुत प्यारा है, काश आप भी इधर होते देखते मेरे साथ। ये रोड देखें जी, तो जनाब गाड़ी मैंने काफी नीचे खड़ी कर दी है, तो अब पता नहीं क्या बनता है, ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा। तो खैर अब देखें जो होता है। क्या नज़ारा आ गया जी आगे, फिर ये देखें जी मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं। आए मुझे स्मेल से पता चला है, पता नज़र आ रही है कि नहीं। हाँ ये देखें, ये देखें आगे, वाह और देखें जगह जगह कचरा फेंकने के डब्बे देखें रखे हुए हैं, कोई गंद वाला सिस्टम नहीं है कि गाँव है तो कोई कचरा शचरा बाहर हो, सारा कुछ मेंटेन किया हुआ इन्होंने। ये खाली प्लाट है इसकी, अब पता नहीं इसका घास इन्होंने क्यों नहीं काटा। मुर्गे बोल रहे हैं जी इधर, दिन कोई शुरू हो गया, ये तो शाम कोई ना। अब मुर्गे भी वो मुर्गे नहीं रहे हैं जो पहले होते थे, 3 बजे सुबह, 3 बजे, 3:30, 4 बजे जगान, अब वो 12 बजे रात के शुरू हो जाते हैं।
अच्छा मैं पाकिस्तान में था तो मैं सोचता था कि ये मुर्गियां शुरगियां, ये मतलब बकरियां भेड़े हैं, ये सब हमारा ही काम है, हम जैसे मुल्कों के। ये गोरे भी रखते हैं यार, और जबरदस्त है मुर्गे, अपने मुर्गियां रखी होती हैं इन्होंने अंडे वंडों के लिए, देसी अंडे मिलते हैं इनको। और फार्म तो इधर, फिर एक एक भैंस तो नहीं बंदा इधर रख सकता, फार्म बने हुए हैं, भेड़े भी इसी तरह फार्म बने हुए हैं उनके, तो बड़ी जबरदस्त लाइफ है यार इन लोगों की। ये ज्यादा कोशिश करते हैं, मैंने बड़ा देखा है कि नेचर के करीब रहने की, कि जितना हो सके हम मिट्टी के करीब रहें, नेचर के करीब रहें। तो आगे ये दूसरा गांव है दोस्तों, साथ ही जुड़ा हुआ था, तो इसका भी नज़ारा आप देख ही लें, कोई फर्क तो होता नहीं है इधर। ये जी सजाया जा रहा है, मैं बता रहा था ना आपको, ये पिंक से लगा रहे हैं फूल, तो ये रास्तों को देखें सजा रहे हैं बच्चे, और ये देखें घर देख लें। इधर लगता है भेड़ों का फार्म भी है, कोई आवाज आ रही है बैग की। ये देखें, चाओ, ये नजारा देखें, चाओ। दोस्तों बड़ा कुछ दिखाने वाला है, पर वीडियो को इधर ही समाप्त करते हैं, समाप्त सही बोल है। तो मेरी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो असल में लंबी हो जाती है दोस्तों, दिल करता है आपको दिखाता जाऊं, पर क्या करें लंबी फिर देखते भी, हर बंदे की अपनी 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 पसंद होती है ना, तो इतनी होनी चाहिए लेंथ के बंदा सारे देख सकें। तो हमें याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।